स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट के दो वीडियो की एक समरी है, एक समराइजेशन है, एक रिवीजन है। लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्या देखा था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो उसका स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद का जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग ने प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन या हम उसको बोलेंगे यूरिन फॉर्मेशन, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यूरिन फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को भी हम लोग ने देखा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे बताने के लिए मैंने सोचा है, क्योंकि नेफ्रॉन जो है अपने में एक नया टॉपिक है और थोड़ा टफ भी है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। इसीलिए आज मैंने जो लेक्चर सोचा है लेने के लिए वो इन दोनों को ही यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूँगी और साथ में ड्रॉ भी करूँगी, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर कुछ होता भी है डाउट तो वो आप मुझे इजीली आप अपने इनबॉक्स में हमारे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले लेके आई हूँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या क्या है। तो हम बात करें नेफ्रॉन की, तो वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है किडनी का, मतलब एस्क्रिटरी सिस्टम का। हमें डायग्राम पता है कि किडनी होता है, किडनी से दो पाइप निकली रहती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, वो एक गॉल ब्लैडर में ओपन होती है। मैं यहाँ पे एक बार उसको भी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा किडनी है। ठीक है, ये किडनी है, यहाँ से एक पाइप निकली है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है और यहाँ पे यूरेटर यूरेथ्रा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ना किडनी का। यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन रहती हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती हैं जो किडनी में गई रहती हैं ब्लड को लेके, फिर ये वापस जाती हैं। इस टाइप का बहुत रफली एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन इस किडनी में पाया जाता है और मिलियंस ऑफ नंबर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस किडनी को एक तरह से अल्ट्रा इसका स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसमें नेफ्रॉन रहेगा। तो अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक कप लाइक, नहीं पहले मैं बता दूं, स्ट्रक्चर में दो पार्ट में अगर हम चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। फर्स्ट जो होगा बोमेंस कैप्सूल होगा और जो सेकेंड पार्ट है वो है नेफ्रिक ट्यूब्स, क्योंकि बाकी के सारे स्ट्रक्चर तो ट्यूब लाइक है ना। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट होगा बोमेंस कैप्सूल। क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल। आप भी अपनी कॉपी में जब भी पढ़ने बैठो तो एक कॉपी लेके बैठो और साथ में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। सेकेंड क्या होगा, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये दो पार्ट है, फर्स्ट है बोमेन कैप्सूल और दूसरा है नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट भी अगर ले ले तो इसमें ही कलेक्टिंग डक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, लूप ऑफ हेले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इतनी सारी चीजें जो हो गई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बोमेन्स कैप्सूल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो होता है डबल लेड स्ट्रक्चर होता है और थिन वॉल्ड होता है। क्यों थिन वॉल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, इसीलिए थिन वॉल्ड होगा, तभी तो इसमें चीजों जो भी है फिल्टर हो पाएंगी। ठीक है, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल। अब हमने बोमेन्स कैप्सूल ड्रॉ कर लिया, तो सेकेंड क्या पार्ट है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में पीसीटी, लूप ऑफ हेले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हो गए। अब हम ये क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे पीसीटी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेले। क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेले। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने लूप ऑफ हेले ड्रॉ कर लिया।
ओके। अब इसके बाद एक और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। अब ये कहाँ पे जाके ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट कैसी होती है? इस तरह की एक वो भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बोमन कैप्सूल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, नेफ्रिक ट्यूबल्स में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट कुछ और नेफ्रॉन की डीसीटी से ज्वाइन रहती है। वो और नेफ्रॉन की डीसीटी का यूरिन सब इसमें आके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। जो पूरे की पूरे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे जाके जुड़ती हैं? यूरेटर से जुड़ती हैं। और यूरेटर से सारा ब्लड कहाँ, यूरिन कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर्स में जाता है और यूरेट्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया? बहुत ही सिंपल हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। बोमन कैप्सूल, पीसीटी, मैं लिखती भी जाऊँ, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब हम अगर बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन की, किसकी बात कर रहे हैं? यूरिन फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन या प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हम डाले यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब हो गया यूरिन फॉर्मेशन की अब हम बात करेंगे। जब हम किडनी का स्ट्रक्चर, मतलब किडनी और सारे स्केलेटल सिस्टम को मैंने बनाया, किडनी को बनाया, वहाँ पे रीनल वेन और रीनल आर्टरीज को भी बनाया। रीनल आर्टरी जो होती है और हार्ट से ब्लड को लेके आती है, हार्ट से ब्लड को लेके आती है, उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, साथ में बहुत से प्योरिटी और इम्प्योरिटी होता है। क्यों लेके आती है? क्योंकि उसी को तब प्योरिफिकेशन करना है ना। तो जब वो किडनी में इंटर करती है तो क्योंकि किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है और हर नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी को ब्लड देना ही देना है, तो उसके लिए क्या करेगी? रीनल आर्टरी शुड बी डिवाइडेड इनटू सेम नंबर लाइक नेफ्रॉन, क्योंकि हर नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी का ब्लड जाना है। तो इसलिए रीनल आर्टरी मिलियंस ऑफ आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। हर आर्ट्रियोल्स जो होता है नेफ्रॉन के पास ब्लड लेके जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। नेफ्रॉन जो होता है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इसका जो यूनिट है, जो एक यूनिट है, ये खुद पे खुद अपना एक इंडिपेंडेंट वर्क करता है, इंडिविजुअल वर्क करता है। अगर इसको जितना भी ब्लड आर्ट्रियोल्स दे रहा है वो उसका पूरा का पूरा प्यूरिफिकेशन करेगा और पूरा अपना यूरिन का फॉर्मेशन खुद करेगा, किसी और को नहीं देगा, किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट? अब हम यूरिन फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? अब ये रीनल आर्टरीज की ब्रांच आ रही है जिसको हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफरेंट। ठीक है, ये क्या कर रही है? हर एक नेफ्रॉन में जा रही है और ब्लड को दे रही है प्यूरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे ये आ गई वुमेन्स कैप्सूल में। अब यहाँ पे आके वो ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, एक बंच बना लिया कैपिलरीज का। इसी को हम क्या बोलेंगे? वुमेन्स। इसी को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। अब ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया और ये ग्लोमेरुलस हो गया, इन दोनों को क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? मालफीजियंस ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? मालफीजियंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेस चल रही है। किसकी प्रोसेस चल रही है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल्स में जो ब्लड आ रहा है वो बहुत प्रेशर से आ रहा है, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, तो इसमें ब्लड का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगा और बहुत प्रेशर से आ रहा है ब्लड, और जितने प्रेशर से आ रहा है कैपिलरीज में उतने ही फोर्सफुली द
तरीके से उनका फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये पूरे पूरे प्रेशर से, जितने भी हार्डली प्रेशर से ये वर्क हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है वोमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में। और क्या होता है कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये एक तरह से सीव लाइक स्ट्रक्चर है, छलनी लाइक स्ट्रक्चर है। जब चीज़ें छन रही हैं, उनका फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जो बड़े पार्ट्स होंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जिन चीज़ों के, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। वो क्या हो पाएंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में ही वो रुक जाएंगे, छन जाएंगे। बाकी इसके अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स वाली चीज़ें ही रहेंगी, और उस फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। बड़ी चीज़ें, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, वो ब्लड में ही रह जाएंगे। वो चीज़ें तो ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, वो प्रोटीन है, ब्लड सेल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड को चाहिए ही चाहिए। तो वो फिल्टर नहीं हुए तो और तो अच्छी बात है ना। तो वो फिल्टर नहीं होने से फिर से ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे और ब्लड में मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो स्टार्ट होती है वो होती है हमारी इफरेंट आर्टरियोल्स। क्या होती है, इफरेंट आर्टरियोल्स स्टार्ट होती है, इसको हम बोलेंगे इफरेंट। ये एफरेंट था और ये इफरेंट है। देखो इनके और इनके साइज में डिफरेंस है, क्योंकि जब ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो प्यूरिफिकेशन के लिए आ रहा है, उसमें बहुत से वेस्ट मटेरियल भी हैं, है ना। अब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गए, यानी बहुत से मटेरियल जो है फिल्टर होके चले गए हैं, तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ सेलेक्टिवली निकल गए हैं और कुछ फिल्टर होके चले गए हैं, तो उनका वेट, उनकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो नेक्स्ट इफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ से निकल रही है उसकी ब्रॉडनेस कम हो जाएगी और उसका, उस पर जो ब्लड का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इफरेंट आर्टरियोल्स, ये ऐसा नहीं कि यहाँ से चले गए हैं, नहीं, ये जो है ये पूरे के पूरे इस सब को इस तरह से कवर किए हुए हैं। क्या किए हैं, इस तरह से कवर किए हुए हैं, जितने भी नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं उनको कवर किए हुए हैं। अब क्यों कवर किए हैं, इसका भी हम आंसर देंगे। पहले हम यहाँ पे देख लें, ग्लोमेरुलस में चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो गया। अब अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, जो फिल्ट्रेट जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इन फिल्ट्रेट में कुछ अच्छी चीज़ें तो चली गई हैं भाई, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होंगी, है ना। तो उन अच्छी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें चली गई हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, वो है ग्लूकोज, सॉल्ट्स जो चाहिए ब्लड को, उसके बाद उसमें जो है वाटर, अमाइनो एसिड, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में अंदर चली गई हैं वोमेंस कैप्सूल के। ये चीज़ें ब्लड को चाहिए, ब्लड इनको लेता है, लेगा आगे के प्रोसेस में, ये बेनिफिटेड है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ब्लड के लिए। तो अब क्या होगा, अब तो वुमेंस कैप्सूल में चला गया है, अब क्या हो पाएगा, ब्लड कैपिलरीज इसके सराउंडिंग में पूरे के पूरे नेफ्रॉन को लपेटी रहती हैं। क्यों लपेटी रहती हैं, क्यों पूरी कवर की रहती हैं। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, पीसीटी में आया, जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल से उसमें आ गया। ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये सब जो होते हैं, इनकी वॉल जो होती है बहुत थिन होती हैं, जिससे चीज़ों का ट्रांसफर हो सके। तो हमने यहाँ पे देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट प्रोसेस देखी, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। अब हम सेकेंड प्रोसेस में आ गए हैं, जो है री एब्जॉर्प्शन। क्या है, री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे अंदर चली गई हैं, ये ब्लड वेसल्स उनको ले लेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से। अब यहाँ पे क्योंकि ये पीसीटी में आ गई हैं, पीसीटी में 70-80% कितना, 70-80% चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है।
वो क्या क्या चीजें होती है, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ों का मैक्सिमम 70-80% रीअब्जॉर्प्शन होके कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और है जो लेना है, तो यहाँ पे आती है लूप ऑफ एलए में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ गया। अभी यूरिन नहीं बना है, अभी वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ही है, क्योंकि अभी उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो ब्लड वेसल्स में जाएंगी। तो यहाँ पे 70-80% चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब बची कुछ ही चीज़ें जो है आगे बढ़ी लूप ऑफ एलए में, अब यहाँ पे भी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा जो बच गई है, यानी अब 80% मान लो मैक्सिमम हो गया है, अब 20% तो बचा है रीअब्जॉर्प्शन, तो अब यहाँ पे होगा लूप ऑफ एलए में चीज़ों में NaCl यानी सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इसका डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब आगे बढ़ता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, आगे जब जाता है तो यहाँ पे जो NaCl है उसके लिए वॉल परमेबल हो जाती है। वाटर और NaCl दोनों का रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ एलए में हो रहा है, बट मैक्सिमम किस जगह से हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। मैं बहुत बिल्कुल अंदर तक प्योरीफाई करके बता रही हूँ कि एक्चुअल में कहाँ पे किस चीज़ों का हो रहा है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम है यहाँ पे किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ से जब चीज़ें आगे बढ़ी हैं तो यहाँ पे सॉल्ट, सॉल्ट मतलब NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ की वॉल जो होती है वो सॉल्ट के लिए परमेबल होती है, वाटर के लिए नहीं होती है। तो लूप ऑफ एलए के डिसेंडिंग लिम में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया और असेंडिंग लिम में सॉल्ट यानी NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर का नहीं होता है। अब जो चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया वो हो गया, वो किस में चली गई, ब्लड वेसल्स में चली गई, किस में चली आई, ब्लड वेसल्स में चली आई, ठीक है। अब फिर से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अब यूरिन बनने के उस पर जा रहा है, ठीक है। अब जो बची कुछ ही चीज़ें हैं वो DCT में चली गई, DCT में भी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे भी वाटर और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो DCT में बचा कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, बची चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो है कहाँ चला गया, हमारा जो ऑलमोस्ट यूरिन बन चुका है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया। अब क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में चला गया तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो 170-180 लीटर पर डे बन रहा है, 170-180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन रहा है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है आप देख रहे हो। बट हम अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो उसका अमाउंट 1-1.5 लीटर पर डे होता है। इतने से इतने तक आ गया, क्या हो गया अचानक से 170-180 लीटर, यानी ह्यूज अमाउंट। वहां से यूरिन का फॉर्मेशन ओनली और ओनली 1-1.5 लीटर हो रहा है। व्हाट हैपेंड बिटवीन ऑल द प्रोसेस, कि कैसे इतने से इतना क्वांटिटी हो गया। क्या होता है कि ये जो है ये होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का क्वांटिटी का नंबर, इसमें ढेर सारे वाटर्स हैं तो उन वाटर का बॉडी में, भाई वाटर तो चाहिए ना बॉडी को हाइड्रोलाइज रखने के लिए, बॉडी को वाटर तो चाहिए ही ना। तो ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में भी जो चीज़ें आई उसमें भी वाटर काफ़ी हद तक है, वहाँ से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वो वाटर रीअब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेलने में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बनती हैं वो यूरिन हो जाता है, क्या हो जाता है, यूरिन हो जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट में और सारे DCT जो है वो आके जुड़ी हुई हैं, उनके भी यूरिन आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये यूरिन जो है यूरेटर से बाहर चले जाते हैं, जाके आपके यूरिनरी ब्लडर्स में कलेक्ट होने लगते हैं। जब प्रेशर अराइजेस होता है यूरिनरी ब्लडर्स पे यानी फुल हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है कि इसको आप यूरिनेट करो, यानी जो प्रोसेस होता है बाहर यूरिन निकालने का उसको यूरिनेशन कहते हैं या मैच्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यूरेथर ओपन होता है जहाँ से यूरिन पास हो जाता है।
तो समझ में आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट प्रोसेस जो बोमेंस कैप्सूल में होता है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन जो होता है अंदर जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं फिल्टर, तो वो वापस से ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वन है वो पीसीटी में आ गया, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी जिनका रीअब्सॉर्प्शन होता है आगे के प्रोसेस में। यहाँ पे पीसीटी में 70-80% का ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट सबका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरे नेफ्रॉन को कवर की रहती हैं और दोनों ही इतने क्लोज होते हैं, उनके वॉल इतने थिन होते हैं कि चीज़ें इजीली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। बची कुछ चीज़ें जो होती हैं लूप ऑफ हेनले में आती हैं। डिसेंडिंग लिम में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले के, और असेंडिंग लिम में सॉल्ट यानी NaCl का रीअब्सॉर्प्शन होता है। यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होकर जब चीज़ें आगे बढ़ी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आगे बढ़ा, तो DCT में भी NaCl और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हुआ। उसके बाद यूरिन जो ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया है वो कलेक्टिंग डक्ट में गया। अब वहाँ पे भी गया तो उसमें भी बहुत ढेर सारे वाटर है, तो कलेक्टिंग डक्ट भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है, ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब करता है, और वो वाटर कहाँ से आ जाता है, लूप ऑफ हेनले में आ जाता है, और उससे फिर से चला जाता है ब्लड वेसल्स में। तो क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से वाटर को यूरिन में नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इतना जो वाटर है उसका रीअब्सॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में दे देंगे, और जो एक लिटिल बिट अमाउंट में जो वेस्ट बच्चा, जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या क्या होगा, उसमें 95% वाटर होता है और 5% नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जिसमें यूरिया प्रोडक्ट होता है। तो हमारा जो 1 to 1.5 liter यूरिन जो हम डेली निकालते हैं बॉडी से, उसमें 95% वाटर और 5% नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, सेकेंड रीअब्सॉर्प्शन हो गया, अब थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो है क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी सिक्रेशन की बात करें। अब क्या होता है कि भाई जब चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, जब ब्लड वेसल्स पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले से चीज़ों को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ हो सकता है यूरिया, कुछ हो सकता है पोटेशियम्स, कुछ हो सकता है ड्रग्स, उस इंसान ने कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स या वो सब चले जाए जो नहीं जाना चाहिए ब्लड वेसल्स में। तो अब क्या होगा, अब सिक्रेशन होगा, अब वो ब्लड वेसल्स उन वेस्ट चीज़ों को जो ब्लड वेसल्स को नहीं चाहिए, ब्लड में नहीं जाना चाहिए, उनको सिक्रीट करके फिर से नेफ्रॉन में डाल देता है। तो कुछ अच्छी चीज़ों को ले लिया और कुछ ख़राब जो चीज़ें हैं उनको अगर बाई चांस आ गया है ब्लड में, तो उनको फिर से सिक्रीट करके नेफ्रॉन में डाल देता है। तो यहाँ पे हो गया, सिक्रेशन की भी प्रोसेस हो गई, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भी प्रोसेस हो गई। तो आज हमने क्या देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, उसको मैंने हिसाब से एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यूरिनेशन की प्रोसेस देखी कि किस तरह से यूरिनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो आई होप आज का लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जैसे किडनी तो है, अच्छी बात है भाई, वो सारी चीज़ों का वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा है ब्लड से, ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है, बट हो सकता है किसी रीज़न से किसी की किडनी डैमेज हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उनकी किडनी वर्क ना करती हो, तो क्या किया जाएगा, क्या वो इंसान डाई हो जाएगा या उसको हम जिंदा रख सकते हैं कुछ दिन तक, ये सारी चीज़ों का आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया हो, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क एंड राइट मैसेज ऑन द इनबॉक्स, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, सपोर्ट माई चैनल्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।